खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर ने खुलकर रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन किया है। मसूद ने कहा कि ये म्यांमार मुस्लिमों का बलिदान ही है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज एकजुट हो गया है। मसूद अजहर का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि रोहिंग्या मुसलमानों के पाकिस्तान के आतंकियों के साथ कनेक्शन हो सकते हैं और ये देश के लिए खतरा हो सकते हैं। मसूद अजहर ने रोहिंग्या के बारे में कहा कि इस मुद्दे पर दुनिया के सभी मुस्लिमों को एक साथ आना चाहिए, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। अजहर ने कहा कि ओसामा बिन लादेन एक शेर था जो लोगों की मदद के लिए आगे आया। वहीं म्यांमार के बौद्ध नेता विराथू की आलोचना की। उसने कहा कि बिन लादेन एक बहादुर और निडर इंसान था जिसने दुनिया के साम्राज्यवाद को चुनौती दी। वहीं विराथू सिर्फ निहत्ते लोगों पर जुर्म कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की योजना पर केंद्र सरकार ने 16 पन्नों का हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में केंद्र ने कहा कि कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के संपर्क का पता चला है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये खतरा साबित हो सकते हैं। केंद्र ने अपने हलफनामे के साथ ही कहा कि जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात में सक्रिय रोहिंग्या शरणार्थियों के आतंकी कनेक्शन होने की खुफिया सूचना मिली है। वहीं कुछ रोहिंग्या हुंडी और हवाला के जरिए पैसों की हेरफेर सहित विभिन्न अवैध और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक वैध तौर पर 14,000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अवैध रूप से शरण लिए हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा के कारण 37,900 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।